हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बजट 2022-23 की बुक आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल है, जिसे आप बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। और साथ ही साथ सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक स्पेशल ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी 15 मई से। इसका रजिस्ट्रेशन आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सीजीपीएससी ई पाठशाला का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाला है आपका 15 मई से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य, ये कोई नया करंट अफेयर नहीं है, लेकिन कुछ दावों के कारण ये करंट अफेयर फिर से, ये जो टॉपिक है, ये फिर से चर्चा में आया। छत्तीसगढ़ में स्थित बंदरगाह, छत्तीसगढ़ में आपके गरियाबंद जिले के कुटेना ग्राम में सिरकट्टी आश्रम, ये सिरकट्टी आश्रम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस आश्रम का नाम भी याद रखिएगा। सिरकट्टी आश्रम के पीछे पैरी नदी के तट पर, पैरी नदी के तट पर बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए, ये सिरकट्टी आश्रम आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सिरकट्टी आश्रम किस जिले में है। सिरकट्टी आश्रम मौजूद है आपके गरियाबंद जिले में। इस आश्रम का नाम सिरकट्टी आश्रम क्यों पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में जितनी भी प्रतिमाएं, जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई, उन मूर्तियों में सिर ही नहीं थे, सिर गायब थे उन मूर्तियों के। नीचे का धड़ मौजूद था लेकिन सिर मौजूद नहीं थे, इस कारण से इस आश्रम का नाम ही पड़ गया आपका सिरकट्टी आश्रम। ठीक है, तो गरियाबंद जिले के कुटेना ग्राम में सिरकट्टी आश्रम के पीछे पैरी नदी के तट पर बंदरगाह के साक्ष्य मौजूद है। ठीक, ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया, हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध पुरातात्विकविद है जिनका नाम है अरुण शर्मा, ये पद्मश्री से भी सम्मानित है। अरुण शर्मा जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे पुराना प्राकृतिक रॉक कट बंदरगाह मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ के इस पैरी नदी के तट पर। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्राचीनतम डॉकयार्ड, ये आप पढ़े होंगे लोथल में। ठीक है, लोथल मौजूद है आपके गुजरात में, लेकिन हमारे प्रदेश के पुरातात्विकविद के द्वारा दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे पुराना बंदरगाह कहां मौजूद है, पैरी नदी के तट पर। लेकिन ये बंदरगाह की विशेषता क्या है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, इसे बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक तौर पर पहले से ही मौजूद था पैरी नदी के तट पर। ठीक, रॉक कट बंदरगाह, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये पुरातात्विकविद अरुण शर्मा के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह के साक्ष्य मौजूद है पैरी नदी के तट पर। ठीक, ये पैरी नदी के तट पर स्थित इस बंदरगाह से सिरपुर, कटक, कलकत्ता और अरब सागर से होते हुए विदेशों में व्यापार किया जाता था। ठीक है, सिरपुर, कटक, कलकत्ता, अरब सागर से होते हुए विदेशों में व्यापार किया जाता था, यहां से निर्यात किया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से कोसा, सुगंधित चावल, कांच की चूड़ियां और आयुर्वेदिक दवाइयां, जबकि विदेशों से आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था अरब देशों से गर्म मसाले। देखिए, पैरी नदी जो कि सहायक नदी है आपके महानदी की, तो पैरी नदी पर स्थित बंदरगाह से महानदी से होते हुए उड़ीसा के कटक, कटक के रास्ते आपका एक तो कलकत्ता भी जाया जा सकता था, बंगाल की खाड़ी नीचे हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर के रास्ते आपका अरब देशों में व्यापार किया जाता था। तो यही आपका दावा किया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से कोसा, सुगंधित चावल, कांच की चूड़िया और आयुर्वेदिक दवाइयां एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात होती थी, जबकि अरब देशों से गर्म मसालों का आयात किया जाता था। पैरी नदी के तट पर स्थित इस बंदरगाह में 5 बड़े जहाजों को खड़े करने की व्यवस्था थी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, 5 बड़े जहाजों को खड़े करने की व्यवस्था थी। अरुण शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि राजिम में 3 ईसा पूर्व तक के प्रमाण मिलते हैं, जो कि मौर्य काल या गुप्त काल के समय राजिम एक प्रमुख बड़ा व्यापारिक शहर था। ठीक है, इतने सारे चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, उनके द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि उस समय महानदी में लगभग 2 हाथियों के बराबर जल भरण क्षमता थी, यानी कि लगभग 20 फीट का जो है आपका जल जो है 20 फीट ऊंचा यहां पर जो है महानदी का जल हुआ करता था, जिसके कारण यहां पर बंदरगाह होने का जो दावा है यह सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इसके साक्ष्य, यह है आपका पैरी नदी, और इस पैरी नदी के तट पर स्थित ये जो आपका कट दिख रहा है ना, ये जो कट है यही है आपका रॉक कट, प्राकृतिक तौर पर बना हुआ रॉक कट। यहां पर 5 बड़े
जहाजों को खड़े करने की व्यवस्था थी ऐसा कहा जा रहा है। इसे बनाया नहीं गया, यह प्राकृतिक तौर पर निर्मित है, ठीक है। पैरी नदी के तट पर स्थित आपका बंदरगाह, यह है आपके साक्षी, यह है इधर बह रही है आपकी पैरी नदी, ठीक है। तो कहां पर स्थित है, कुटेना ग्राम सिरकट्टी आश्रम के पीछे गरियाबंद, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देश की पहली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, ये इसकी स्थापना किया गया है पाटन ब्लॉक दुर्ग, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में 1 अप्रैल 2022 को देश का, छत्तीसगढ़ का बात नहीं किया जा रहा, देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना किया गया। इसे नाम दिया गया है हमर लैब, देखिए इसे नाम दिया गया हमर लैब, जो कि देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है। प्रश्न बन सकता है व्यापम में, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना कहां किया गया, पाटन ब्लॉक जिला दुर्ग। देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट को किस नाम से जाना जा रहा है, तो यह है आपका हमर लैब, जहां पर 54 प्रकार के टेस्ट की सुविधा है। देश भर में इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट भविष्य में देश में आरंभ किए जाएंगे, 3000 और यूनिट स्थापित होंगे, लेकिन देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कहां स्थापित किया गया है, पाटन ब्लॉक जिला दुर्ग में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अति नक्सल प्रभावित श्रेणी से बाहर हुआ जिला, ध्यान समझिएगा, हाल ही में कोंडागांव जिले को अति नक्सल प्रभावित श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। देखिए हमारे प्रदेश में कुल 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं, जिसमें पूरा का पूरा बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, कौन कौन सा, यह है आपका कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, 7 के 7 जिले नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा ये जो आपका राजनांदगांव, ठीक है, 7 और 1 8 राजनांदगांव, कवर्धा 9, मुंगेली 10, आपका इधर यह है महासमुंद 11, गरियाबंद 12, धमतरी 13, ऊपर तरफ यहां पर मौजूद है आपका बलरामपुर 14, ठीक है। तो टोटल आपके 14 नक्सल प्रभावित, हमारे छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है इसे ध्यान समझिएगा, इसे अति संवेदनशील से हटा करके संवेदनशील क्षेत्र बनाया गया है, अति नक्सल प्रभावित श्रेणी से बाहर किया गया है। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है अति, वर्तमान में ये नक्सल प्रभावित जिला तो है, लेकिन इसे अति नक्सल प्रभावित जो आपका श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि संवेदनशील श्रेणी से हटा, अति संवेदनशील श्रेणी से हटा करके संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और आगे डिटेल में चर्चा करते हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि जो अति नक्सल प्रभावित श्रेणी से अगर बाहर किया जा रहा है कोंडेगांव जिले को, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसे लेफ्ट विंग एक्सटेंशन LWE के तहत जो राशि दी जाती थी वो अब बंद कर दी जाएगी। यानी कि देखिए हमारे प्रदेश में जो है आपका जो लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के अंतर्गत जितने भी जिले शामिल थे नक्सल प्रभावित जिले, उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा फंड प्रदान किया जाता था, बजट में उनके लिए अलग से राशि का प्रावधान होता था, उस राशि से इन नक्सल प्रभावित जिलों में विकासात्मक कार्य किए जाते थे, स्कूल बनाए जाते थे, सड़कें बनाई जाती थी, पुल बनाए जाते थे, विकासात्मक कार्य किए जाते थे। लेकिन अब अगर इसे अति नक्सल प्रभावित श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो ये लेफ्ट विंग एक्सटेंशन यानी कि LWE के तहत मिलने वाली राशि जो है अब बंद हो जाएगी, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने साल 2017 से नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लेफ्ट विंग एक्सटेंशन शुरू किया था, यानी कि जो अति संवेदनशील जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर नक्सलियों की सर्वाधिक घटनाएं होती है। देखिए एक तो ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलवादी घटनाक्रम तो होते ही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर नक्सलवादी घटनाएं हो रही है, उसे लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। 2017 से भारत सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लेफ्ट विंग एक्सटेंशन शुरू किया गया था, तब से कोंडागांव इसमें शामिल था, अब इसे बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिले इस लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा, कांकेर, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यानी कि 7 में से बस्तर संभाग के 7 जिलों में से आपके 6 जिले, ठीक है, बस्तर संभाग के 7 जिलों में से 6 जिले, और एक है आपका राजनांदगांव। ये
तो टोटल 7 जिले वर्तमान में आपके लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, वो है आपका 14। कौन कौन सा? बस्तर संभाग के 7 जिले, राजनांदगांव 8, कवर्धा 9, मुंगेली 10, यहां पे महासमुंद 11, गरियाबंद 12, धमतरी 13 और बलरामपुर 14। ये 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं। यहां पर नक्सलवादी गतिविधियां होती रहती है, लेकिन जो नक्सलवादियों के आपके हमलों से जो सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जिसके कारण अक्सर जान माल की हानि होती है, अक्सर सार्वजनिक भवनों को आपका अक्सर जो है परिवहन, जिसके नक्सलवादी घटनाओं के कारण कई बार क्या होता है, आप सुने होंगे नक्सलवादी सड़क उड़ा दिए, पुल उड़ा दिए, तो जिसके कारण क्या है, यातायात प्रभावित हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, तो उसकी भरण पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया था, जहां पर अति नक्सलवाद प्रभावित जो जिले हैं उन्हें फंड प्रोवाइड करके वहां पर विकासात्मक कार्य किए जाते थे। कोंडागांव जिले में पिछले काफी सालों से नक्सल गतिविधियां जो है काफी कम देखी गई, जिसके कारण कोंडागांव जिले को अति संवेदनशील श्रेणी से हटा करके संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। यानी कि नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल तो है, लेकिन इसे लेफ्ट विंग एक्सटेंशन से बाहर किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल जो केंद्र सरकार के द्वारा इस बालोद जिले को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के सूची से हटाया गया, जबकि मुंगेली जिला को शामिल किया गया। ये पिछले साल का करंट अफेयर था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। पिछले साल का करंट अफेयर क्या है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में बालोद जिले को बाहर किया गया और मुंगेली जिले को शामिल किया गया था। दूसरा चीज, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? 7 जिले शामिल है, जिसमें से बस्तर संभाग के 6 जिले और राजनांदगांव 1-7, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिवरी नारायण मंदिर। शिवरी नारायण मंदिर, जिसे विष्णु कांची कहा जाता है, विष्णु कांची तीर्थ भी कहा जाता है, इसे गुप्त तीर्थ की भी संज्ञा दी गई है। देखिए, ये जो शिवरी नारायण है, ये शिवनाथ नदी, जोग नदी और महानदी के त्रिवेणी संगम पर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, राम वनगमन पर्यटन सर्किट परियोजना के पहले चरण में चिन्हांकित 9 स्थलों की सूची में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भगवान श्री राम जिन जिन स्थानों से होकर गुजरे थे, उन स्थानों को चिन्हांकित करके उनका विकास किया जा रहा है। पहले चरण में कुल 9 स्थानों का चयन किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर है, यहां पर वर्ष 2019 में भूमि पूजन करके राम वनगमन पर्यटन परिपथ के निर्माण की शुरुआत की गई थी। पहला स्थल है आपका चंदखुरी। अब चंदखुरी में विकासात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, पूरा उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट किया जा चुका है। अब दूसरा स्थान है शिवरी नारायण, ठीक है। पहले चरण में 9 स्थानों का चयन हुआ। चंदखुरी का जो कौशल्या माता मंदिर है, उसका विकास पूरा हो चुका है। वर्ष 2019 में वहां पे भूमि पूजन किया गया, उस मंदिर का पूरा डेवलपमेंट कर दिया गया। अब सेकेंड है आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में आपका शिवरी नारायण में भी जो है ये दूसरा स्थान है इस राम गमन पथ का, जहां पर अब इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे जो है विष्णु कांची तीर्थ और गुप्त तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। शिवनाथ जोग और महानदी के तट पर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। राम वनगमन पथ सर्किट परियोजना के पहले चरण में चिन्हांकित 9 स्थलों में से दूसरा स्थल है। पहला स्थल कौन है? कौशल्या माता मंदिर। दूसरा स्थल जहां पे विकासात्मक कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, वो कौन सा है? शिवरी नारायण मंदिर, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे, राम वनगमन परिपथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुल 51 स्थानों को चुना गया है, जिसके पहले चरण में 9 स्थानों का विकास किया जाएगा। देखिए, चंदखुरी जो कि मौजूद है रायपुर में, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, सीतामणि, हरचौका, कोरिया, रामगढ़, अंबिकापुर यानी कि सरगुजा जिला, लोमेश ऋषि आश्रम जो कि मौजूद है आपके राजी में, सप्तर्षि आश्रम सिहावा, रामपाल जो कि मौजूद है जगदलपुर, और आपका रामाराम मंदिर जो कि मौजूद है आपके सुकमा में, इन 9 स्थानों का विकास किया जाएगा राम वनगमन पथ के पहले चरण में। यहां अगर आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपका ये जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण वाला एरिया है, यहां पर ये वाला जो स्थान है, यहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सबरी, इनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। नारायण मंदिर दीप स्तंभ बनाए जाएंगे। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंटरप्रिटेशन सेंटर का मतलब, यहां पर जो आने वाली जो भावी की जो युवा पीढ़ियां हैं, उन युवा पीढ़ियों को रामायण काल के जानकारी दिए जाएंगे इस इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से। साथ ही साथ ये त्रिवेणी संगम पर यहां पर घाट का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिवरी नारायण जहां पर सबरी माता का मंदिर है, ये वो स्थान है जहां पर माता सबरी ने भगवान श्री राम को चख करके अपने जूठे मीठे बेर खिलाए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022, इसे आप जानते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। देखिए, ये जो आपके पंचायत पुरस्कार है, इसका वितरण किया जाएगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के संबा जिले के पल्ली में इस पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा, जहां पे सारे के सारे पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ को कुल 22 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे या राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को वर्ष 2022 में कितने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार या पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुए, तो उनकी संख्या कितनी है, कुल 12, ठीक है, कुल 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। देखिए, वैसे तो अब ये जो पुरस्कार है, इसका आयोजन आपके 24 अप्रैल को होगा, 24 अप्रैल को ये पुरस्कार का वितरण किया जाएगा, लेकिन ध्यान समझिएगा, जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम को पुरस्कार दिया जाएगा, ब्लॉक वर्ग में पाटन ब्लॉक सूरजपुर ब्लॉक, ग्राम पंचायत वर्ग में छिपली हरदी भाटा जो कि धमतरी जिले में है, चिरमी जो कि कोरिया जिले में है, पैरी जो कि बालोद में है, आपका बसदई जो कि सूरजपुर में है, और केज दाह जो कि कबीरधाम में है, ठीक है। वैसे ही चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये मिलेगा आपका रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बंचरौदा को। वैसे ही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, ये मिल रहा है आपकी दुर्ग जिले के जेवरा को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार, ये मिलेगा आपके रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सरोरा को। तो इतने सारे पुरस्कारों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 12 पुरस्कार हो रहे, देखिए, कबीरधाम 1, पाटन सूरजपुर 2, यहां पर छिपली 2 और 3, छिपली हरदी भाटा 4-5, चिरमी 6, पैरी 7, बसदई 8, केजे दाह 9, बंचरौदा 10, जेवरा 11 और सरोरा 12, टोटल 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा रायगढ़ का इतिहास, हाल ही में यह भी काफी चर्चा में रहा, कुछ नाम है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपका आजादी से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा हुआ करता था, सीपी बरार कहा जाता था, मध्य प्रांत, ठीक है, हिंदी में मध्य प्रांत कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। देखिए, 1 जनवरी 1948 को हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में एक कलेक्टर और एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति यानी कि एसपी की नियुक्ति की गई, जिनका नाम था रामाधीर मिश्रा और एक है आपका केएफ रुस्तम, ठीक है। उस समय देखिए, अभी के समय तो आप कलेक्टर कहा जाता है, उस समय इन्हें कलेक्टर ना कह करके उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था, ठीक है, उपायुक्त या फिर डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। तो हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपका कलेक्टर नियुक्त हुए रामाधीर मिश्रा, जबकि पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए के एफ रुस्तम, और ये के एफ रुस्तम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घटनाक्रम समझिएगा, आजादी के बाद जो है देसी रियासतों का विलयीकरण हो रहा था भारतीय संघ में, तो इसी परिपेक्ष में हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के रायगढ़ में, ठीक है, उस समय जो है आपका रायगढ़ नहीं था, रायगढ़ 5 देसी रियासतों में बटा हुआ था, रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़, उदयपुर, शक्ति, इन 5 देसी रियासतों को मिलाकर के रायगढ़ को बनाया जाना था, ठीक। तो देखिए, इस क्षेत्र में कलेक्टर की नियुक्ति हुई, कलेक्टर थे आपका रामाधीर मिश्रा और दूसरे थे AKF रुस्तम। इन दोनों ने मिलकर के इन सभी रियासतों के राजाओं से मुलाकात की और इन्हें भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यहां आने के 3 हफ्ते बाद ही इन रामाधीर मिश्रा के पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके कारण इन्हें रायगढ़ से रायपुर रेफर किया गया, जहां पता चला कि इनके आंतों में सूजन हो गया है और उस सूजन के कारण इनकी कुछ समय मृत्यु हो गई। जिसके पश्चात जो आपका ये जो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ उतना विकास भी नहीं हुआ था, और इस रायगढ़, जशपुर, आपका सारंगढ़, उदयपुर, शक्ति, इन देसी रियासतों में भी कोई अलग से डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी नहीं थे, तो उस समय भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया और इन के एफ रुस्तम को
KF रुस्तम को बनाया गया कलेक्टर। ठीक है, भारत सरकार के अगले आदेश तक KF रुस्तम इस रायगढ़ वाले क्षेत्र के क्या रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर। उस समय डिप्टी कमिश्नर के पद जो है कलेक्टर का कलेक्टर के बराबर हुआ करता था। इसी बीच अगला घटनाक्रम होता है आपका 30 जनवरी 1948 को, इस समय महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए KF रुस्तम, उनकी पत्नी, उस समय के तत्कालीन जिला के जो न्यायाधीश थे वो, और कलेक्ट्रेट के स्टाफ, ये सभी के सभी मिल करके एक विशाल रैली निकालते हैं जिसमें जो है आपका शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हैं, और ये पूरी की पूरी रैली चलती है रायगढ़ के केलो नदी तक। ठीक, तो ये जो सारा का सारा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम काफी चर्चा में रहा। ठीक है, इनका थोड़ा सा नाम याद रखना है क्योंकि इसको लेकर के जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको पहले बता देता हूं, IPS राजगोपाल ने जो है रुस्तम जी के जीवनी को दो खंडों में लिखा है। ये एक हमारे छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड IPS ऑफिसर है जिनका नाम है राम गोपाल, जिन्होंने रुस्तम जी की जीवनी को अपने दो खंडों में लिखा है। उन्होंने रायगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में इतिहास को दुरुस्त करने का भी आग्रह किया है। देखिए, जो राजगोपाल है इन्होंने हमारे प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य सचिव है जिनका नाम है आपका अमिताभ जैन, उन्हें बताया है इन रुस्तम जी के सारे घटनाक्रम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिले का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जिला प्रशासन का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। उस जिला प्रशासन के वेबसाइट में इन रुस्तम जी के बारे में जो इनका इतिहास है उसका उल्लेख करने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव जी को कहा था, जिसके बाद अमिताभ जैन ने भी आश्वस्त किया कि इनका जो इतिहास है जिला प्रशासन के उसमें आपके वेबसाइट में इतिहास में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ PSC की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी, जो व्यापम की परीक्षाएं होंगी, उसमें भी इनके इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी पूरा क्लियर तरीके से अभी इनका जो इतिहास है ये सामने नहीं आया है, ये केवल एक ओवरव्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से एक कलेक्टर के स्थान पर SP को कलेक्टर बनाया गया जिनका नाम था आपका KF रुस्तम। ठीक है, KF रुस्तम जो कि पूरा का पूरा इन पांचों रियासतों के डिप्टी, एक अकेले डिप्टी कमिश्नर या फिर कलेक्टर नियुक्त हुए थे। गांधी जी का जब आपका हत्या कर दिया गया था तब उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशाल जुलूस भी निकाला था। ठीक, कुछ महीने बाद इस क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए आपके JK वर्मा को रायगढ़ जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई डायरिया है ये दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय या पुस्तकालय में आज भी मौजूद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा इनसे, क्योंकि डायरेक्ट आश्वस्त कर दिया गया है अमिताभ जैन जी के द्वारा, जो हमारे प्रदेश के जो वर्तमान में जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इनका जो इतिहास है, और क्लियर तरीके से इतिहास सामने आएगा, इनका जो इतिहास है इन्हें रायगढ़ के जो जिला प्रशासन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इसे शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ PSC और व्यापम की होने वाली जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं और छत्तीसगढ़ की जो आगामी जो ग्रंथ अकेडमी की जो पुस्तकें आएंगी उसमें भी इनसे संबंधित जो भी जानकारियां है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर जीवनी लिखी गई है, तो वो सारा का सारा इनका इतिहास शामिल किया जाएगा और परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, रायगढ़ के प्रशासनिक इतिहास को दुरुस्त करने का इन्होंने आग्रह किया है। ठीक, और ये जो आपके जो KF रुस्तम है इनके द्वारा लिखी गई डायरिया दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय वो पुस्तकालय में भी मौजूद है। देखिए, ये रुस्तम जी है इन्होंने वर्ष 1952 से 6 साल तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व भी इन्होंने संभाला था। ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये है आपके KF रुस्तम। इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नैना सिंह धाकड़ कौन है? ये है आपकी पर्वतारोही जिसे माउंटेन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हाल ही में माउंट लाउत्से जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, इस माउंट लाउत्से के ऊपर चढ़ करके यहां पर उन्होंने तिरंगा के बजाय भगवान श्री राम का केसरिया ध्वज लहराया और इसे देश को समर्पित किया। ठीक है, जब कभी कोई पर्वतारोही किसी भी आपका पर्वत पर फतह करता है तो वो वहां पर जाकर के तिरंगा झंडा लहराता है, लेकिन इन्होंने ये जो आपका केसरिया रंग का भगवान श्री राम का केसरिया रंग का इन्होंने झंडा फहराया माउंट लाउत्से के ऊपर चढ़कर। ठीक है, थोड़ा सा इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पर है K2 और थर्ड नंबर पर है आपका कंचनजंगा, फोर्थ नंबर पर आता है आपका माउंट लाउत्से। ये जो आपका नैना सिंह धाकड़ है इसे माउंटेन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक,
हमारे छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, वो है आपका राहुल गुप्ता, इसे भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जो आपका माउंटेन मैन छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन कहा जाता है आपके राहुल गुप्ता को, ठीक है। जबकि माउंटेन गर्ल किसे कहा जाता है पूछा जाए तो वो कहा जाता है आपके नैना सिंह धाकड़ को। ये है आपके नैना सिंह धाकड़, जिन्होंने माउंट लाउत्से के ऊपर चढ़ करके केसरिया रंग में भगवान श्री राम का ध्वजा लहराया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाँ, साथ ही साथ नैना का जो नाम है ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, ठीक है। नैना का जो नाम है ये लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, तो इसका नाम इनका नाम जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022, जिसका आयोजन हुआ आपके बिलासपुर जिले में। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सम्मेलन या किसी भी मेले का आयोजन हमेशा रायपुर में नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर में हो रहा है। राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 जो कि 3 दिवसीय एक मेला था, 13 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक इस मेले का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम। इसका स्थान था साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा बिलासपुर में। बिलासपुर में इस मेले का आयोजन हुआ था। देखिए, ये जो मेले का आयोजन हुआ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा गया, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से कृषि क्षेत्र में किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें से बहुत से चीज़ों से आप परिचित है, लेकिन एक एक करके मैं सभी को रीड कर देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग लिखने में काम आता है। प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में ये काफ़ी काम आएगा। जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों पर प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता, यानी कि खरीफ वर्ष में जो है कृषि और उद्यानिकी के फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता प्रदान किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ पंजीकृत धान के रकबे के स्थान पर, यानी कि ऐसे किसान जो धान का रकबा लेते हैं, अब धान के रकबे को छोड़ करके अगर वो सुगंधित धान दलहन तिलहन उद्यान की वृक्षारोपण पर जो है अपना वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में लगभग 27 लाख से अधिक किसानों को 11,180 करोड़ तथा 2022-23 में 27 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर का क्रय कर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। प्रदेश में गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का कार्य प्रारंभ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो गौठानों को जो है आपके ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। लघु वनोपज संघ के माध्यम से कोदो कुटकी रागी, ध्यान दीजिएगा, कोदो कुटकी रागी इसका खरीदी कौन कर रहा है, लघु वनोपज संघ के माध्यम से कोदो कुटकी रागी का 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 20 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिलेट मिशन का शुभारंभ, ध्यान दीजिएगा, मिलेट मिशन के अंतर्गत कितने आदिवासी बहुल क्षेत्र आ रहे हैं, टोटल 20 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिलेट मिशन का शुभारंभ। खरीफ वर्ष 2022-23 में 22-23 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर मूंग और उड़द का क्रय, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है अब खरीफ वर्ष 2022-23 से अरहर मूंग और उड़द का भी क्रय किया जाएगा। राज्य में 14 आदिवासी बहुल जिले और आपका 25 विकास खंडों में विश्व बैंक सहायतित चिराग परियोजना का संचालन कितने विकास खंडों में हो रहा है, 25, कितना आदिवासी बहुल जिलों में हो रहा है, 14, ठीक है। लाख और मछली पालन, आप सभी को पता होगा लाख और मछली पालन दोनों को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। अब इन्हें कृषि का दर्जा दिए जाने का फायदा क्या होगा कि इन्हें जो है ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा होगी। सारा इंपॉर्टेंट है, मेन आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, साथ ही साथ प्री या फिर व्यापम दोनों कोई वन डे एग्जाम में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है AK पटनायक समिति, हाल ही में ये भी काफी चर्चा में रहा। AK पटनायक समिति जिसका गठन किया गया था आपके 8 मार्च 2019 को, गृह विभाग के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है आपके AK पटनायक, ठीक है। देखिए, जो AK पटनायक समिति है ये आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापसी लिए जाने से संबंधित है, ठीक, आदिवासियों के खिलाफ जो आपके मामले जो दर्ज है उन्हें उनके वापसी से संबंधित है। जैसे कि फर्जी नक्सली मुठभेड़ और शराब बनाने जैसे अपराध से जो वर्षों से जेल में बंद है। देखिए, बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो कि आपके शराब बेचने के मामलों या फिर फर्जी नक्सलवादी मुठभेड़ ऐसे केस के कारण वो काफी सालों से जेल में बंद है। ऐसे गुनाह जो उन्होंने किया भी नहीं, ठीक है, और कोर्ट में जो है, कोर्ट का तो आपको पता ही है कि सालों साल जो है सुनवाई काफी पेंडिंग में रहती है, जिसका भुगतान जो है उन आपके निर्दोष
आदिवासियों को करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि सरकार हर आदिवासी को छोड़ देगी, जो गुनाहगार है वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन अब इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपका एके पटनायक समिति का गठन 8 मार्च 2019 को किया गया था, जो कि आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों के वापसी के लिए था, जो कि फर्जी नक्सल मुठभेड़ और शराब बनाने जैसे अपराध में वर्षों से जेल में बंद है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई शराब बनाने जैसे कोई घटना करता है तो उसे कुछ महीने की सजा होती है, लेकिन ये सालों से जेल में बंद है। तो ऐसे लोगों को छुड़वाने के लिए समिति का गठन किया गया। देखिए, एके पटनायक समिति की अनुशंसा पर अभी जो है वर्तमान में 632 मामलों में 752 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी की गई है, और अब तक इस एके पटनायक समिति के द्वारा जो है समाधान और मामलों की वापसी के तहत कुल 811 मामलों में से कुल 1244 स्थानीय आदिवासियों के मामले न्यायालय से समाप्त किए जा चुके हैं। देखिए, अभी जो है हाल ही में एक जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बताया गया, अभी हाल ही में एके पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 मामलों में 752 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को जो है वापसी की जा चुकी है। इसके साथ ही, यानी कि इन मामलों के साथ ही, अब तक एके पटनायक समिति के द्वारा कुल 811 मामलों में 1244 स्थानीय आदिवासियों के मामले न्यायालय से समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि एके पटनायक समिति का संबंध किससे है, यह आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों के वापसी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कसाड़ मेला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कसाड़ मेला। इसका संबंध है आपके दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले के गिदम ब्लॉक के अंतर्गत आता है आपका ग्राम जावंगा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो मेला है, इसे अदूड़, नंगा, मायल, मासा, देवता का कसाड़ मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मेला है, ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में आया, थोड़ा याद रखिएगा। इस मेले के आयोजन में एक नृत्य किया जाता है जिसे ढोल नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके स्थानीय जो आदिवासी जो नृत्य कर रहे हैं, ये है आपका ढोल नृत्य। गाँव की सुख शांति, संपत्ति वृद्धि, जल जंगल जमीन संरक्षण, जीव जंतु बचाओ, अच्छा फसल के लिए यह कसाड़ जो है आपका मनाया जाता है, कसाड़ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि कसाड़ मेले का आयोजन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कसाड़ मेले का संबंध जो है ये कहाँ संबंधित है, ये मौजूद है आपके दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले संबंधित है आपका कसाड़ मेला, दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जावंगा क्षेत्र से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राउर त्यौहार। ये जो आपका राउर, देखिए यहाँ राउर लिखा है, राउत नहीं है, राउत नृत्य राउत नाचा अलग होता है, यहाँ पर राउर की बात हो रही है। अब ये राउर त्यौहार का क्या संबंध है, ये राउर त्यौहार है, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एक वर्ष के अंतराल में, यानी कि एक वर्ष के गैप में बनाया जाता है। ये महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में गुड़ियारी ग्राम में इस त्यौहार को मनाया जाता है, स्पेशली सोमवंशीय गोड़ पोत्रे समुदाय के द्वारा। इस त्यौहार में लगभग 34 गांव के लोग इस त्यौहार में शामिल होते हैं। इस त्यौहार में चतुर्भुज बूढ़ा देव की पूजा की जाती है, जिसे ये समुदाय के लोग भगवान शंकर का चतुर्भुज अवतार मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बैलगाड़ी में जो है आपके पीछे तरफ बूढ़ा देव की प्रतिमा रख करके उनकी एक यात्रा निकाली जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये राउर, ठीक है, नॉट राउत, राउत नहीं लिखा हुआ है, राउर लिखा हुआ है। राउर त्यौहार का आयोजन कब होता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एक वर्ष के अंतराल में, स्पेशली सोमवंशी गोड़ पोत्रे के समुदाय के द्वारा किया जाता है। 34 गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के गुड़ियारी ग्राम में इस त्यौहार का आयोजन होता है, जिसमें चतुर्भुजी बूढ़ा देव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, अब ये क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही है भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टेशन में किसी एक प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के, यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत अभी इस योजना के अंतर्गत आपका रायपुर रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है। इस रायपुर रेलवे स्टेशन में हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट का जो है विक्रय किया जाएगा। योजना अंतर्गत स्थानीय लोगों को अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका हमने लास्ट क्लास में देखा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही है आपका वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किस रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है, तो वो है आपका रायपुर रेलवे स्टेशन। और इसे कौन सा उत्पाद अलॉट हुआ है, तो इसे अलॉट हुआ है आपका हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट,
ठीक है, रायपुर रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सियान जतन क्लिनिक। अब ये सियान जतन क्लिनिक क्या है, देखिए इसका शुभारंभ किया गया है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में, ठीक है, जहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों का जो है निशुल्क पंजीयन, यहां पे शुल्क हो गया है, निशुल्क पंजीयन, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, प्रकृति परीक्षण व चिकित्सा की सुविधा इन्हें दी जाएगी। और ये जो आपका देखिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में हर महीने के प्रथम गुरुवार को, डेट भी दिया गया है, हर महीने के प्रथम गुरुवार को यहां पर सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा, ठीक है। यह है आपका सियान जतन क्लिनिक का शिविर लगाया जा रहा है, इसका शुभारंभ कहां किया गया है, शासकीय यानी कि गवर्नमेंट शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए खेल विशेष। खेल विशेष में यहां पर खिलाड़ियों के नाम है, यहां पर खेल है और इधर वो चर्चा में क्यों रहे, इस खेल विशेष से जो है अक्सर व्यापम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये खेल वाले पोर्शन को याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है आपका संगीता राजगोपालन, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से। खेल सेक्टर से व्यापम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम आप जानते भी नहीं और जो व्यापम जो है ऐसे ही खिलाड़ियों के नाम पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपके संगीता राजगोपालन है ये अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि हरियाणा में आयोजित हुआ, पंचकुला हरियाणा में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि संगीता राजगोपालन का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। सेकंड नंबर पर भावेश सारंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी चर्चा में रहे, न्यूज में भी रहे, जिनका संबंध है आपका भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन का मतलब क्या होता है, वेट लिफ्टिंग। जो आपका भावेश सारंग है इन्होंने जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग स्पर्धा जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ, यहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चर्चा में ये क्यों रहे, क्योंकि इनका जो है ट्वेल्थ का इनका फाइनल एग्जाम था, उस एग्जाम को छोड़ कर गया, अपना पेपर छोड़ करके वो इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए गए और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भावेश सारंग का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है आपका वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है ईश्वरी निषाद, इनका भी, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी काफी न्यूज में रही। ये जो आपके ईश्वरी निषाद है ये है आपके धावक, ठीक है, रेस से संबंधित धावक है, ये दिव्यांग खिलाड़ी है, ठीक है, दिव्यांग है, ब्लाइंड है ये। देखिए इन्होंने 13वें फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के तहत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और भी कई मेडल इन्होंने जीता है। साथ ही साथ जो श्रीति प्रधान है ये भी धावक है, ये भी दिव्यांग है, ये दोनों के दोनों दिव्यांग है, इनका नाम याद रखिएगा, दोनों धावक है। जो आपकी श्रीति प्रधान है इन्होंने 20वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021-22 में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है आपके गणेश यादव जिनका संबंध हॉकी से है, इन्होंने आपका 12वें इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दो नाम आपको याद रखना है, राकेश वर्दा और दूसरा है राजेश कोर्राम। राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम दोनों का संबंध है आपका मलखंब से। मलखंब लास्ट क्लास में हमने देखा था, मलखंब एकेडमी जो कि नारायणपुर में शुरू किया जाना है, तो ये जो आपका मलखंब खेल से संबंधित है, इनका जो है हैंड स्टैंड मलखंब प्रतिस्पर्धा जिसका आयोजन मुंबई में होने वाला है, तो देश में जो आपके इस प्रतिस्पर्धा के लिए 5 खिलाड़ियों में से 2 हमारे छत्तीसगढ़ के इस नारायणपुर से है। राकेश वर्दा किस खेल से संबंधित है, मलखंब से। राजेश कोर्राम किस खेल से संबंधित है, मलखंब से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विविध कुछ आपका सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले नंबर पर है आपका मेरीन फॉसिल पार्क जो कि हसदेव नदी के तट पर है, मनेन्द्रगढ़ पर है, यहीं पर जो है एशिया का सबसे बड़ा मैरीन हेरिटेज साइट यहां पर बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों रहा, ये जो आपके मनेन्द्रगढ़ में जो आपका स्थित है मैरीन फॉसिल पार्क हसदेव नदी के तट पर, इसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है, इसे जो है आपका गोडवाना मैरीन फॉसिल पार्क अब इसका नया नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा जाएगा, गोडवाना मैरीन फॉसिल पार्क। नेक्स्ट देखिए जो आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हर कक्षाओं में 10 सीटों की वृद्धि की गई। पहले आपके इस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सीटों की संख्या थी 40, जिसमें 10 सीटों की वृद्धि की गई, अब इसमें कुल सीटों की संख्या हो गई आपके 50 सीट प्रति कक्षा, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हर एक कक्षा में 50 सीटें होगी, पहले 40 सीटें थी अब होगी आपकी 50 सीटें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और इसी आपके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर हमारे प्रदेश में कुल 32 आपके 32
उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल भी खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बजट में इसकी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन धाम, दावा किया गया हमारे प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन धाम है वो है आपके कुबरी ममहानी जिसका उत्पादन हो रहा है आपके बेमेतरा जिले में और इसकी मांग है आपके नेपाल में इसका जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन धान इसे माना जा रहा है कुबरी ममहानी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अमलेश्वर जो कि जिला दुर्ग में है। जिला दुर्ग के आपके अमलेश्वर को ग्राम पंचायत से अब इसे बना दिया गया है नगर पंचायत, इंपॉर्टेंट है। अमलेश्वर को जो है दुर्ग जिले के अमलेश्वर को ग्राम पंचायत से क्या बना दिया गया है, नगर पंचायत। बहादुर कलारिन, आप सभी को मालूम है आपके बालोद जिले में स्थित है बहादुर कलारिन की माची, इसका इतिहास भी हम देख चुके हैं पहले के 2-3 करंट अफेयर में, हम इसे कवर कर चुके हैं। तो जो बहादुर कलारिन है, बालोद जिले में स्थित है आपके बहादुर कलारिन की माची जो कि एक प्राचीन स्मारक है, तो बहादुर कलारिन के नाम पर छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता होगा 1 नवंबर को मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस और इसी समय आयोजन होता है आपके राज्योत्सव का। तो राज्योत्सव में आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो बहादुर कलारिन के नाम पर भी एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यह घोषणा किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी जो वस्तुएं हैं वो 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका पहली छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज। देखिए, फिल्म की बात नहीं हो रही, वेब सीरीज जो कि एपिसोड्स में आते हैं, ठीक है, 5-6-7 एपिसोड में आते हैं, तो वैसा ही हमारा छत्तीसगढ़ पहला जो आपका वेब सीरीज बन रहा है उसका नाम है आपका लाल खदान। ये रिलीज होने वाला है आपके OTT प्लेटफॉर्म में 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल से ये जो है रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट है आपका आईने छत्तीसगढ़, इस पुस्तक का विमोचन हो चुका है और ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है आपके श्री शंकर पांडे जी के द्वारा, जो कि आपके पेशे से एक पत्रकार है, ठीक है, पेशे से एक पत्रकार है श्री शंकर पांडे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, आईने छत्तीसगढ़ी। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये भी एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है आपके प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ये जो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के वर्तमान में कुलपति है, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। जो अशोक कुमार चक्रवाल ये कौन है, ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक को थोड़ा सा याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, जबकि आईने छत्तीसगढ़ जो पुस्तक है ये किसका है, ये श्री शंकर पांडे जी का है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम समिति, हमारे छत्तीसगढ़ में एक समिति का गठन किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका जो तस्करी है उसे रोकने के लिए, उसके निवारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला जो कि रिटायर्ड जज है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का नाम पहले याद रखिएगा, बाद में इनके सदस्यों का नाम भी याद रखिए। ये जो है आपके त्रिसदस्यीय एक समिति है, इसमें सदस्य में है शरद कुमार गुप्ता और नेक्स्ट है आपके विमला सिंह कपूर, ठीक है, दोनों के दोनों आपके रिटायर्ड जज है। इसमें मेन अध्यक्ष का नाम याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अनिल कुमार शुक्ला। या पूछा जाएगा अनिल कुमार शुक्ला समिति का संबंध किससे है, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण समिति से, ठीक, इंपॉर्टेंट है, यह सबको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधित सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बजट में घोषणा किया गया था कि परिवहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, जो कि जो आपके जनरली क्या होता है कि अगर हमको कोई लाइसेंस बनाना होता है तो हम जनरली ढूंढते हैं एक कोई RTO के जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दे करके हमें अपना काम करवाना पड़ता है, तो और एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है और एजेंट जो है ये टाइम पे काम करके भी नहीं देते, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, परिवहन सुविधा केंद्र का कॉन्सेप्ट लाया है। अब आपके घर के नज़दीक ही परिवहन सुविधा केंद्र होंगे, अभी प्रारंभिक तौर पर 1000 परिवहन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं जो कि परिवहन संबंधित सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य भर में इन परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जो कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।